हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ एंड ये प्रोडक्ट आई थिंक 1 मंथ पहले लॉन्च हुआ था और ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी लूज पाउडर, लूज फिनिशिंग पाउडर। एंड ये जो पाउडर है ये टोटली मैट पाउडर है। इसमें 4 शेड लॉन्च हुए हैं और इसे मैंने मेबेलिन के आउटलेट से परचेज किया है और इसकी MRP जो है वो 695 रुपीज है, बट इट्स ओके। 20 ग्राम इसका प्रोडक्ट अमाउंट है, इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो 20 ग्राम है, विच इज़ वेरी गुड। और इसमें जो 4 शेड लॉन्च हुए हैं उसमें 3 शेड बहुत लाइट हैं जो कि पिंक टोन के लिए और बहुत एक्सट्रीम फेयर स्किन टोन के लिए परफेक्ट है, लेकिन इंडियन स्किन टोन के लिए अगर कोई एक इकलौता शेड एकदम परफेक्ट है सो दिस इज द शेड 30 मीडियम डीप। एंड इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये मिनरल बेस्ड फॉर्मूला के साथ आता है जो कि शाइन को कंट्रोल करता है और आपकी स्किन को सिलिकनी स्मूथ टेक्सचर देता है, प्लस लाइट वेट है, ट्रांसलूसेंट कवरेज देता है एंड फ्रेश और नेचुरल लुक देता है। एंड इसको आप बिना फाउंडेशन के भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आप फाउंडेशन के ऊपर कंप्लीटली अप्लाई कर सकते हो। एंड इसको आप ब्रश से अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेटर ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर सकते हो और या फिर आप इसे लिटिल बिट बहुत ही सॉफ्ट जो पफ होता है उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसकी जो सबसे नेगेटिव चीज़ है वो यही है कि इसमें ना मिरर है, मिरर भी नहीं मिला है, प्लस इसमें जो दूसरी नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर कोई पफ नहीं मिला है। अदरवाइज पैकेजिंग की बात करूँ तो ट्रेवल फ्रेंडली है बट क्लासी पैकेजिंग है, यू कैन सी बहुत क्लासी। ये पेपर मैं हटा दूंगी तो ये और भी ज़्यादा क्लासी लगने लगेगा और ये यहाँ पर पेपर, ये भी पेपर लगा हुआ है, इसे भी मैं हटा दूंगी अगर, बट ये शेड पहचानने के लिए है। और इसकी ये जो ब्लैक एंड बेज कलर की जो पैकेजिंग है मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड फिट मी का मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर और ब्लश का रिव्यू किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब हम इसको ओपन करते हैं, इस तरीके से ट्विस्ट हो करके ये ओपन होता है दोस्तों। सो दिस इज द मेन प्रोडक्ट एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटिफुल ये इसकी पैकेजिंग है, आई जस्ट लव द पैकेजिंग। और यहाँ पर ये लगी हुई है पॉलिथिन इसको लॉक करने के लिए एंड आपको ये होल दिख गए होंगे, तो इस तरीके से मैं इसे रिमूव कर देती हूँ और मैं इसे कंप्लीट रिमूव कर दूंगी तो प्रोडक्ट जो है वो ठीक से निकलेगा। और अदरवाइज मैं इसे हाफ भी रख सकती हूँ तो आप हाफ भी रख सकते हैं, इस तरीके से हाफ कट कर दीजिए या निकाल दीजिए या पूरा ही निकाल दीजिए, बट मैं इसे ऐसे आधा प्रेस करके छोड़ दूंगी। जब मुझे प्रोडक्ट निकालना होगा तो मैं इस तरीके से निकाल लूंगी एंड जब मुझे छोड़ना होगा ऐसे कवर करके तो कवर कर दूंगी, बिकॉज ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत जो लूज पाउडर्स होते हैं उन सभी में ये दिक्कत होती है कि ये ना थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगते हैं और फिर यहाँ पर भर जाते हैं जिससे कि अमाउंट वेस्ट होता है। बट इस तरीके की पैकेजिंग कहीं ना कहीं हेल्प करती है प्रोडक्ट को वेस्ट ना होने में, बिकॉज और इसको कैसे निकालना है, ऐसे करके आपने किया एंड देन ऐसे किया और ऐसे करके आप हल्का सा प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं साइड में हल्का सा टेढ़ा करके, और प्रोडक्ट अमाउंट बहुत अच्छा है। अब मैं आपको अपने हैंड पर इसका शेड दिखाती हूँ दोस्तों, सो वेट अ मिनट। एंड आप ये मत समझिएगा कि मैंने मेरी स्किन ठीक है, मतलब व्हीटिश है, गेहुआ कलर है मेरा, मैं बहुत ज़्यादा फेयर नहीं कहूँगी खुद को, लेकिन एंड आई जस्ट लव माई टोन। सो जो एक टोन डार्क होता है लूज पाउडर वो ज़्यादा बेटर लुक देता है और ज़्यादा सॉफ्ट और सफल उसका लुक आता है बाद में। और कभी आपने देखा होगा, अक्सर सबने देखा है टीवी सीरियल्स में जो हीरोइंस होती हैं, जो सीरियल हीरोइन होती हैं, उनके फेस पर येलोइश एकदम फ्लॉलेस जो टोन होती है वो इसी तरीके के शेड्स से आती है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और वाइट शेड अप्लाई नहीं करते हैं। एंड दिस इज द शेड, यू कैन सी
बिल्कुल मैंने अपनी स्किन से मैच करता हुआ ही लिया है और मेरी स्किन को लिटिल बिट ब्राइटर करेगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा डार्केस्ट डीप शेड है, शेड नंबर 30, एंड ये ना हर इंडियन स्किन टोन पे परफेक्टली जाएगा। और रही बात मेरी लिपस्टिक की, मैंने अप्लाई की हुई है मैक रेट्रो मैट लिपस्टिक है ये रूबी वू, एंड इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। रही बात इस लूज पाउडर की, तो बिल्कुल भी इसमें स्पार्कल या चमकी या किरकिरा या जो भी बोलते हो आप अपने लैंग्वेज में, अपने एरिया में, शिमर बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज टोटली मैट, और मैट का मतलब ये है कि अल्ट्रा मैट है ये, एंड इसमें ना बिल्कुल भी चमक नहीं है, एंड आई जस्ट लव मैट प्रोडक्ट्स। और जिन प्रोडक्ट्स में स्पार्कल होता है वो मुझे थोड़े से कम पसंद है, आप मेरे रिव्यूज में देखते भी होंगे मेकअप के ऐसे शिमरी प्रोडक्ट्स मैं बहुत कम लेती हूँ, बिकॉज जितना आप शिमर और ग्लैमरस जो शिमरी शिमरी प्रोडक्ट होते हैं उनसे थोड़ा दूर रहेंगे आपका लुक उतना ज्यादा क्लासी लगेगा। एंड मैट इज ऑलवेज ग्रीन, फॉर एवर ग्रीन, एंड ये आप देख सकते हो स्किन में यहाँ पर ब्लेंड हो गया है। और रही बात इसको अप्लाई करने की, तो आपको मैं अप्लाई करके, ऑफ कोर्स मेरे बस 100 के सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, मैं आपको डेमो भी दूंगी इसके साथ, डोंट वरी। लेकिन अभी की बात करूँ तो मैंने इसे अप्लाई किया एंड बहुत अच्छे से काम करता है। प्लस इससे ना आईज के नीचे की जो स्किन होती है जब कंसीलर के बाद आप किसी लूज पाउडर से सेट करते हो तो वो बिल्कुल ब्रेक नहीं होती, कोई लाइन्स एक्स्ट्रा नहीं बनती और आपकी फाइन लाइंस को भरता है। एंड इसका जो सिलिकन सा जो फील आता है वो इतना अमेजिंग है। और आप एक दो मिनट जब इसको लगा करके और छोड़ दीजिए, उसके बाद आप जब ये थोड़ा सेटल हो जाए तब आप ब्रश से उसको हल्का सा हटा सकते हो, या एक फिनिशिंग ब्रश से आप फिनिशिंग दे सकते हो। सो दिस इज टोटली अमेजिंग एंड मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर ब्राइड्स, स्पेशली न्यूली ब्राइड्स। और जिस तरीके से कलबार का एयर ब्रश फिनिशिंग पाउडर है उसी तरीके से कुछ कुछ ये है, और इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगी मैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा लेना है। बट यस, अगर प्राइस वाइज बात करूं तो मैं ये आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ, हाईली, जी हाँ। एंड आई जस्ट लव द फॉर्मूला, सो इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बस दो ही चीजें हैं कि शीशा नहीं है और इसमें अप्लाई करने वाला एप्लीकेटर यानी कि पफ नहीं है। बट कोई बात नहीं, आपके पास एक ब्रश तो होगा ही, नहीं है तो एक छोटा पैक का ब्यूटी ब्लेंडर ले लीजिए, मिनी ब्यूटी ब्लेंडर, उससे, हाँ मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से ये बहुत परफेक्टली अप्लाई होता है। एंड ट्रस्ट मी, आपको फेयर एक्सट्रीम व्हाइट दिखने की जरूरत नहीं है, आप एक्सट्रीम व्हाइट सफेद दिखें ऐसा दिस इज नॉट नेसेसरी, जरूरत है आपकी स्किन सॉफ्ट सपल और एकदम फ्लॉलेस दिखे और थोड़ा सा येलोइश अंडरटोन में दिखे, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगती है, चाहे भले उस पर फिर आई मेकअप कर लो या कर लो लिपस्टिक अच्छी सी लगा लो, सब कुछ एकदम परफेक्टली जाता है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसकी बात करूं फ्रेग्रेंस की, तो एज सच इसमें कोई उस तरीके की मुझे तो कोई फ्रेग्रेंस नहीं आई, बट हो सकता है बहुत ही लाइट सी हो। सो दिस इज ट्रूली अमेजिंग, एंड इसके जो इन्ग्रीडियंट हैं यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आई थिंक, हाँ इसमें सिलिका पड़ा हुआ है, जी हाँ सिलिका यहाँ पर लिखा है, इसमें टाल्क है, सिलिका है, डाइमेथिकोन है। सो इसमें चार पांच इंग्रेडिएंट हैं जिनके यहाँ नाम लिखे हुए हैं, एंड आई जस्ट लव द फॉर्मूला। जितनी ज्यादा डिसअपॉइंट मैं फिटमी के कॉम्पैक्ट से हुई थी उतनी ही ज्यादा खुश हूं मैं लूज पाउडर लेके, तो अब आप समझ सकते हैं। और मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझ पे आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, एंड ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, थोड़ा सा आप अपना भी अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखें प्रोडक्ट के लिए कि आप क्या सोचते हैं। बट फिर भी क्योंकि मेरे समझाए हुए या बताए हुए प्रोडक्ट्स को आप वैल्यू देते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं अगर आप ये लेंगे तो आपको पछतावा नहीं होगा। और हाँ, अगर आप जाते हो आउटलेट पे और आपसे अगर कोई कहे कि ये शेड आप पे जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, आप
क्या करते हैं, जब मैं गई थी लेने के लिए तो मुझे उन्होंने उठा करके शेड नंबर 2 जो है वो मेरे हाथ पे अप्लाई कर दिया। एंड मैंने उनसे बोला कि मुझे इस तरीके से मत दिखाइए, ब्रश से कुछ समझ नहीं आएगा, आप मुझे फिंगर से लेकर के चारों जो कॉम्पैक्ट है इस तरीके से लगा के दिखाइए, और जो मुझे लगेगा कि ये मुझे बेटर जा रहा है मेरे फेस पे तो मैं वो लूंगी, मैं आपके हिसाब से नहीं लूंगी। और जरूरी नहीं है कि जो काउंटर पे लड़की या लड़का खड़ा है वो आपसे ज्यादा जानता हो, इसलिए हमेशा अवेयर रहिए, हमेशा वहां अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए एंड उनको अपने ऊपर बिल्कुल हावी मत होने दीजिए, बिकॉज वो एकदम से इरिटेट करने लगते हैं कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, और इसका ये दिखा दें, ये आ गया है और आप पे ये वाला जाएगा, ओ माय गॉड आप तो इससे बहुत अच्छे लगने लगोगे। ये नहीं, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। सो आप हर प्रोडक्ट के जितने सारे शेड हैं बिल्कुल आप देखने के लिए एकदम से स्वतंत्र हैं, तो आप आजाद होकर के वहां पर देखिए। जैसे कि मैंने इसके चारों शेड्स निकलवाए और अपने हाथ पर ऐसे अप्लाई करके देखा तो 3 शेड एकदम व्हाइट व्हाइट और येलो सॉरी पिंक टोन में और बिल्कुल हाइलाइटर जैसे लग रहे थे, वो लिटिल मैट हाइलाइटर। लेकिन जब मैंने ये चौथा वाला शेड देखा सो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि ये डार्क ना हो, लेकिन नहीं, दिस इज परफेक्ट फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक फ्लॉलेस एंड ड्यूई, ना कि मुझे ड्रैकुला बनना है वाइट वाइट करके अपने फेस को। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और रही बात पिक्चर्स की, अगर आप बहुत ज्यादा वाइट प्रोडक्ट लगा लेते हैं तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में आपका फेस बहुत गंदा दिखेगा, व्हाइट व्हाइट दिखेगा और अलग लगेगा। जैसे कि मेरा फेस और नेक का हमेशा आप देखोगे स्किन एकदम सेम होती है, बट आप कहीं कहीं देखोगे लोगों का फेस एकदम अलग होता है और गर्दन का कलर कुछ और होता है, बिकॉज फेस पे वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम व्हाइट प्रोडक्ट लगा लेते हैं जिस वजह से वो दिक्कत हो जाती है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अपने लिए ध्यान से चीजें चुनिए और स्किन को मैच करके चुनिए, और जो चीज आप फेस पर लगाएं वही चीज आप नेक पर भी अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपकी स्किन एकदम एक जैसी और फ्लॉलेस दिखे। आई होप कि आपको मेरी छोटा सा जो टिप है वो हेल्प करेगी, और आप किसी भी आउटलेट पर जाकर के घबराएं नहीं और अपनी मर्जी से आपको जो प्रोडक्ट लेना है वो लीजिए, वही देखिए। एंड आप अगर अपना व्यू रख सकते हैं तो वहां पर रखिए, किसी को अपने ऊपर हावी ना होने दे दोस्तों, और अपनी पसंद का अपने मैच का शेड लें जिससे आपको रिग्रेट ना करना पड़े कि ओ माय गॉड मेरा पैसा वेस्ट हो गया। जैसे कि मैं आपको इसी वीडियो में एक चीज बता दूं कि आप कलबार का अमीनो फाउंडेशन जो आता है उसका 02 शेड ना लें अगर आप बहुत फेयर नहीं है तो, बिकॉज वो नहीं जाएगा। 01 इज गुड एंड 02 इज नॉट गुड फॉर वेरी फेयर स्किन और इंडियन स्किन टोन, एंड 03 इज परफेक्ट, 4 इज परफेक्ट, 5 इज परफेक्ट एंड 6 इज परफेक्ट, बट 02 लगता है कि वो एक हाईलाइटर है। सो दैट्स व्हाई मैंने आपको यहीं पे बता दिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलिए अगली वीडियो में, और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल रारा एंड रारा लाइफस्टाइल, और मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी तबीयत जरा सही नहीं थी मगर अब मैं वापस आ गई हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।